हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू डिलीवर 13th लेक्चर ऑफ होट 211 प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी फॉर वेजिटेबल एंड स्पाइसेस। इन दिस लेक्चर आई विल कवर ऑल कल्चर प्रैक्टिसेस रिलेटेड टू बोटल गार्ड कल्टीवेशन लाइक सोयल क्लाइमेट, सोइंग टाइम, सीड रेट, मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, इरीगेशन, वीडिंग, ट्रेनिंग प्रूनिंग, हार्वेस्टिंग, यील्ड एक्सेट्रा। लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक। लौकी और घिया, बोटल गार्ड को हिंदी में लौकी जहाँ घिया भी कहते हैं, जो इसकी लंबी किस्में हैं उन्हें लौकी और जो राउंड किस्में हैं उन्हें घिया कहा जाता है। बोटनिकल नेम लिजनेरिया सिसरेरिया, जो इसका वानस्पतिक नाम है बोटल गार्ड का वो लिजनेरिया सिसरेरिया है। फैमिली कुकरबिटेसी। क्रोमोसोम नंबर 2 एंड 22, इसके जो डिप्लोइड क्रोमोसोम नंबर होते हैं वो 22 होते हैं। ओरिजन साउथ अफ्रीका और इंडिया। जो इसका उत्पत्ति स्थल है बोटल गार्ड का वो साउथ अफ्रीका अथवा इंडिया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, महत्वपूर्ण बिंदु, कोफ्ता, पेठा, टूटी फ्रूटी आर मोस्ट पॉपुलर प्रिपरेशन फ्रॉम बोटल गार्ड। जो बोटल गार्ड है इससे बहुत सी सब्जियां जैसे कोफ्ते की सब्जी बनाई जाती है जो काफ़ी फेमस है। इसके अलावा पेठा है, एक स्वीट्स है जो बनाई जाती है, टूटी फ्रूटी है, जैसे आप चेरी खाते हो सेम इसकी भी वैसी ही चेरी बनी हुई आती है, वो काफ़ी फेमस है। बोटल गार्ड हाईली सेंसिटिव टू फोटो पीरियड। बोटल गार्ड है जो वो जो दीप्ति कालिता होती है उससे कह लो कि संवेदनशील फसल होती है। इसका जो प्रोडक्शन होता है फोटो पीरियड पे डिपेंड होता है, दीप्ति कालिता के ऊपर डिपेंड करता है। ड्राई शेल इज यूज फॉर प्रिपरेशन ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। जो इसका छिलका होता है, ये कह लो कि जब फल पक जाता है पूरी तरह से, ठीक है, आप नीचे वाली पिक्चर में देख रहे हो, जैसे कि सूख जाता है, सूखने के बाद उसकी जो ऊपर वाला छिलका होता है शेल होती है वो हार्ड हो जाती है सूखने के बाद, और बीच में से जो उसका बीज और पल्प रहती है उसको निकाल देते हैं। फिर उसके बाद जो फल बच जाते हैं, ऊपर वाला छिलका बच जाता है खाली, तो उसको यूज़ किया जाता है जहाँ तो इंस्ट्रूमेंट बनाने के लिए, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनाने के लिए। इसके अलावा कई लोग बाउल बनाते हैं, कंटेनर्स बनाते हैं, और भी बहुत से यूज़ किए जाते हैं, डेकोरेशन के लिए यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। जो इसका छिलका होता है ये अलग अलग इक्विपमेंट बनाने के लिए अलग अलग किस्मों का यूज़ किया जाता है। इसमें हाई टेम्परेचर एंड हाई नाइट्रोजन कंटेंट इंड्यूस मेलनेस इन बोटल गार्ड। अगर इसके अंदर टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, जब इसकी कल्टिवेशन हो रही है टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो इसमें मेल फ्लोवर ज़्यादा लगते हैं। अगर नाइट्रोजन ज़्यादा है तो भी इसमें मेल फ्लोवर ज़्यादा बनते हैं। बोटल गार्ड इज मोनोसियस प्लांट। बोटल गार्ड है जो ये मोनोसियस होता है नेचर वाइज, मेल और फीमेल फ्लोवर एक ही प्लांट पर अलग अलग पाए जाते हैं, अलग अलग जगह पे होते हैं। इस पिक्चर में आप देख सकते हो, पहले वाली पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये मेल फ्लोवर है, एक ही जो वाइन है, एक ही क्रीपर है, उसके ऊपर लगे हुए दोनों फ्लोवर हैं, तो इसमें मेल फ्लोवर है ये पहले वाला। इसके नीचे आपको ओवेरी, बड़ी हुई ओवेरी दिखाई नहीं देगी, ये सिंपल होता है, ठीक है। और अंदर से अगर काट के देखा जाए तो ये अंदर आपको इसके एंथर ही दिखाई देंगे, ठीक है, पुंकेसर कहते हो जिसको, वो दिखाई देंगे। इसमें फीमेल वाला पार्ट दिखाई नहीं देगा, नहीं होता ही नहीं है, ठीक है। और जो दूसरे वाले पिक्चर फीमेल फ्लोवर की है, इसमें आपको नीचे बड़ी हुई वृत्तिका दिखाई, सॉरी नीचे बड़ी हुई ओवेरी दिखाई देगी जो बाद में फूलती है, जो एक फल की तरह तैयार हो जाती है पोलिनेशन के बाद। वैसे तो इस पिक्चर में जो आपको ओवेरी दिखाई दे रही है थोड़ी सी ज़्यादा ही बड़ी, क्योंकि इसमें पोलिनेशन हो चुका है। और जो अंदर से फूल अगर काट के देखा जाएगा तो ऐसा दिखाई देगा, क्योंकि इसमें ओनली आपको स्टेमन्स दिखाई देंगे
कि व्रतिका कह लो, स्टिग्मा दिखाई देगी, ठीक है। इसमें मेल फ्लावर जो पार्ट है या मेल ऑर्गन्स है वो दिखाई नहीं देंगे, ठीक। अब आप पहचान सकते हो कि कई बार क्या होता है कि पुष्प ओनली मेल फ्लावर लग रहे होते हैं, वो सूख जाते हैं बॉटल गार्ड पे, कद्दू की बेल पे, और वो उसके बाद उस पर फलन होता नहीं है। कि अपने सोचते हैं कि बहुत से फूल लग रहे हैं पर वो सूख जाते हैं लग लग के, तो वो कारण हो सकता है कि उसमें नाइट्रोजन ज्यादा हो अपने फील्ड के अंदर, या फिर टेम्परेचर उस टाइम ज्यादा हो। कई बार क्या होता है कि जब अर्ली टाइम होता है पौधे का, इनिशियल स्टेज होती है, तो उस टाइम पौधे पे मेल फ्लावर ज्यादा आते हैं, फीमेल की तुलना में ज्यादा आते हैं, ठीक है। उनको अपने आगे कंट्रोल करना भी बताएंगे कि कैसे उनको कंट्रोल किया जा सकता है। वैसे तो जो NAA है उसका स्प्रे किया जा सकता है, नेप्थलिक एसिटिक एसिड का, इनको फीमेल फ्लावर को बढ़ाने के लिए। इसके अलावा और भी कई है जो अपने आगे पढ़ेंगे, ठीक है। एरिया एंड प्रोडक्शन, ये 2018 का है, ठीक है, जो एरिया और प्रोडक्शन है, जो कि अभी लेटेस्ट उसमें शो हो रहा है नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड की साइट पे। तो इसमें सबसे ज़्यादा एरिया जो है वो 41.44, ठीक है, 1000 हेक्टर, ये बिहार का है। दूसरे नंबर पे हरियाणा है, 24.38,000 हेक्टर, ठीक है। तीसरे पे मध्य प्रदेश, चौथे पे उत्तर प्रदेश, और टोटल जो इसका क्षेत्रफल है बोटल गार्ड कल्टीवेशन का वो है 156.98,000 हेक्टर। और प्रोडक्शन की बात करें तो प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा बिहार का है, 649.69,000 मैट्रिक टन, ठीक है। और दूसरे नंबर पे आता है उत्तर प्रदेश प्रोडक्शन के अंदर, 427.81,000 मैट्रिक टन, मतलब उत्तर प्रदेश की प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और इसका जो टोटल प्रोडक्शन है 2682.85,000 मैट्रिक टन, ठीक है, 2682.85,000 मैट्रिक टन इसका जो प्रोडक्शन है। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, फ्रूट में भी लॉन्ग, ऑबलॉन्ग और राउंड डिपेंडिंग अपॉन द वैरायटी, जो इसके फल होते हैं वो किस्म के अनुसार या तो लंबे होंगे, या फिर अंडाकार होंगे, या फिर गोल होंगे, मतलब इसकी जो किस्में, तीन टाइप की ज्यादातर किस्में मिल जाती हैं। द फ्रूट कंटेन 0.2 ग्राम प्रोटीन, 2.9 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स, 1.0 ग्राम फैट, 6.0 मिलीग्राम ऑफ विटामिन सी पर 100 ग्राम फ्रेश वेट। अगर 100 ग्राम फ्रेश वेट की बात की जाए तो उसके अंदर 2 ग्राम प्रोटीन होता है, 0.2 ग्राम प्रोटीन होता है, 2.9 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स होता है, 1 ग्राम फैट होती है उसके अंदर, 6.0 मिलीग्राम उसमें विटामिन सी भी पाया जाता है, ठीक। इट इज गुड फॉर पीपल सफरिंग फ्रॉम बिलियनेस एंड इनडाइजेशन, चिड़चिड़ापन कह लो, और जो जिनमें अपच की समस्या रहती है, डाइजेशन सही नहीं रहता, उन लोगों के लिए इसके फूड का कंजप्शन करना या खाना उनके लिए अच्छा रहता है। द फ्रूट ऑफ बोटल गार्ड कैन बी यूज्ड एज वेजिटेबल और फॉर मेकिंग स्वीट्स, हलवा, खीर, पेठा एंड बर्फी एंड पिकल्स। जो इसका बोटल गार्ड का फल है, इसका यूज जहाँ तो सब्जी के रूप में तो किया ही जाता है, इसके अलावा बहुत सी स्वीट्स बनाने के लिए भी किया जाता है, मिठाइयाँ बनाने के लिए भी किया जाता है। एग्जाम्पल जैसे हलवा है, खीर भी बनाई जाती है, पेठा भी बनाया जाता है, बर्फी भी बनाई जाती है, इसके अलावा इसका अचार भी बनाया जाता है। ए डिकोकेशन मेड फ्रॉम द लीफ इज ए वेरी गुड मेडिसिन फॉर क्यूरिंग जॉन्डिस। इसका जो लीफ का काढ़ा बनाया जाता है, पत्तियों से काढ़ा बनाया जाता है ना, वो जो पीलिया है या जॉन्डिस है उसके क्यूर, उसको क्या कहते हैं कि उसको ठीक करने के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। मतलब जो पीलिया है उस रोग के अंदर इसका यूज किया जाता है, काढ़े का दिया जाता है उस
पेशेंट्स को। द फ्रूट हैज ए कूलिंग इफेक्ट, इसका जो फल होता है वो शीतलन पैदा करने वाला होता है, ठंडे किस्म का होता है, ठीक है। इट इज ए कार्डियोटोनिक, डायूरेटिक एंड एज एन एंटीडोट्स अगेंस्ट सर्टेन पॉइजंस। जो इसका फल होता है, एक तो हृदय के रोगों के लिए भी अच्छा होता है, डायूरेटिक होता है मतलब मूत्रवर्धक होता है। इसके अलावा बहुत से विष हैं जिनकी एंटीडोट इससे बनाई जाती है। द ड्राई हार्ड शेल ऑफ द फ्रूट हैव बीन यूज फॉर मेकिंग ए वाइड रेंज ऑफ आर्टिकल्स फॉर कॉमन यूज, इंक्लूडिंग बाउल्स, बोटल, कंटेनर, फ्लोट्स फॉर द फिशिंग नेट एंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। इसका जो ड्राई शेल है, सूखा हुआ, ये कह लो कि जो मैंने पहले भी दिखाए थे कि भाई ऊपर वाला जो छिलका है पक जाता है, पर उसके बाद उसको सुखा लिया जाता है तो वो हार्ड हो जाता है ऊपर से, उसको बाउल बनाने के लिए भी यूज किया जाता है, कटोरियां भी बनाई जाती है कई जगहों पे ग्रामीण प्रवेश के अंदर। इसके अलावा इसका बोतल्स भी बनाए जाते हैं, मतलब बोतल की तरह यूज किया जाता है। इसके अलावा इसके कंटेनर्स बनाए जाते हैं, कई फल इसके बहुत किस्मों में फल बहुत बड़े बड़े बन हो जाते हैं, लगभग 5-5, 4-4, 5-5 किलो तक के हो जाते हैं, तो उनका यूज कंटेनर बनाने के लिए भी किया जाता है। फ्लोट्स बनाने के लिए, मतलब जो फिशिंग नेट होता है, मछली पकड़ने वाला जाल रहता है, उसको ऊपर तैरता रहे, वो पानी के अंदर बिल्कुल डूबे नहीं, इसलिए उसमें इसके टुकड़े काट काट के लगा दिए जाते हैं बोटल गार्ड के शेल के, जो कि ऊपर तैरते रहते हैं, नेट को ऊपर उठाए रखते हैं, बिल्कुल नीचे गिरने नहीं देते, पानी के अंदर बैठने नहीं देते, ठीक है। इसके अलावा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स तो बनाए ही जाते हैं इससे, ठीक। नेक्स्ट है वैरायटीज, जो सिलेक्शन से चुनाव से तैयार वैरायटीज हैं, जैसे पूसा नवीन है, अर्का बहार है, पूसा समर प्रोलिफिक लॉन्ग है, पंजाब राउंड है, पंजाब लॉन्ग, पूसा समर प्रोलिफिक राउंड, सम्राट, ये किस्में इसकी सिलेक्शन या चुनाव से डेवलप्ड किस्में हैं। इसके बाद है हाइब्रिड्स, पूसा मंजरी काफी इंपॉर्टेंट फसल है, इसकी वैरायटी है, किस्म है ये पूसा समर प्रोलिफिक राउंड और सिलेक्शन 11 का क्रॉस है, ठीक है। इसके अलावा वरद है, पंजाब कोमल है, NDGB1 है, पूसा मेघदूत है, पूसा मेघदूत भी काफी इंपॉर्टेंट फसल है इसकी, पूसा समर प्रोलिफिक लॉन्ग इनटू सिलेक्शन 2। इसके अलावा गुटका है, पूसा संदेश है, PBOG1, इसके अलावा हरित है, ये किस्में हाइब्रिड किस्में हैं इसकी, ठीक है। इसके बाद लॉन्ग वैरायटीज, जिनके फल या तो लंबे हैं या ओबलोंग रहते हैं, उनके अंदर पूसा समर प्रोलिफिक लॉन्ग, पूसा मेघदूत, पूसा नवीन, पंजाब कोमल, कल्याणपुर लॉन्ग ग्रीन, सम्राट, पूसा हाइब्रिड 3, पंत शंकर, लौकी 1, CO1, आजाद नूतन, नवेंदर रश्मि, आजाद हरित। इसके अलावा जो इसकी राउंड किस्में हैं, जिनके फल गोल होते हैं, जिसको आप घिया कहते हो, उसकी पूसा समर प्रोलिफिक राउंड, पूसा मंजरी, पूसा संदेश, पंजाब राउंड, सॉरी क्लाइमेट, इट इज वार्म सीजन क्रॉप। जो बोटल गार्ड है ये वार्म सीजन क्रॉप होती है, मतलब इसको गर्म मौसम की आवश्यकता होती है। इट कैन नॉट टॉलरेंट हाई कोल्ड एंड फ्रॉस्ट, और ये पाला कह लो और ठंड को बर्दाश्त नहीं कर सकती, सहन नहीं कर सकती। द बोटल गार्ड इज ए टिपिकल ट्रॉपिकल प्लांट विच रिक्वायर वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट फॉर द बेस्ट ग्रोथ। इसकी जो ग्रोथ के लिए सबसे ज्यादा से टिपिकल ट्रॉपिकल क्लाइमेट, जो साउथ इंडिया वाला रहता है, जैसे जिसमें गर्मी और ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा रहती है, ऐसे मौसम की आवश्यकता होती है इसकी अच्छी ग्रोथ के लिए। द ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर ग्रोथ 30 डिग्री सेल्सियस टू 35 डिग्री सेल्सियस डे टेम्परेचर एंड 18 to 22 डिग्री सेल्सियस नाइट टेम्परेचर। जो इसकी ऑप्टिमम ग्रोथ है, उसके लिए से दिन का जो तापमान है 30 से 35 डिग्री के बीच में रहे और रात का 18 से 22 डिग्री के बीच में होना चाहिए, तो इसकी जो उपज है वो बहुत ज़्यादा या बहुत अच्छी मिलती है। इट इज़ हाईली सेंसिटिव टू फोटो पीरियड,
ठीक है, फोटोपॉप पीरियड जो दीप्ति कालिता होती है उसका काफी ज्यादा प्रभाव पड़ता है इसकी कल्टीवेशन के ऊपर। ठीक है, शॉर्ट डे एंड ह्यूमिड क्लाइमेट प्रमोट फीमेलनेस। शॉर्ट डे, डे लेंथ जो होती है दीप्ति कालिता, जिनके अंत कह दो तो शॉर्ट डे वाले रहते हैं, जिसमें जैसे थोड़ा सा ये कह लो कि सर्दी वाला मौसम सा, जैसे अपने जो राजस्थान का एरिया है जहाँ पे जब सर्दी सी पड़ती है तब उस टाइम डे लेंथ अपनी शॉर्ट हो जाती है। एवरेज जो 12 घंटे या 10 घंटे के आसपास रहती है वो 10 घंटे के आसपास हो जाती है, सॉरी 10 घंटे या इससे कम हो जाती है। तो वो जो कंडीशन है और थोड़ी ह्यूमिडिटी वातावरण में, वो फीमेल फ्लोवर को बढ़ाती है, मतलब उस टाइम फीमेल फ्लोवर ज़्यादा लगते हैं। जैसे मैंने कहा था कि टेम्परेचर ज्यादा होगा तो मेल फ्लोवर ज्यादा लगेंगे, और फिर छोट टेम्परेचर कम होगा और ह्यूमिडिटी थोड़ी सी रहेगी वातावरण में और शॉर्ट डे कंडीशंस रहेंगी तो फीमेल फ्लोवर ज्यादा लगेंगे। सोयल, बोटल गार्ड कैन बी ग्रोन ऑन ऑल टाइप्स ऑफ सोयल, बट सैंडी लोम सोयल विद हाई ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट आर कंसिडर्ड बेस्ट। बोटल गार्ड तो वैसे तो हर प्रकार की मिट्टी में कल्टीवेट की जाती है, परंतु इसके लिए जो सैंडी लोम सोयल है, बलुई दोमट मिट्टी जिसमें ऑर्गेनिक मैटर भरपूर मात्रा में हो, इसकी कल्टीवेशन के लिए उत्तम रहती है। सोयल शुड बी वेल ड्रेन्ड एंड द पीएच बिटवीन 6 to 7। सोयल जो है अच्छे जल निकास वाली होनी चाहिए, पानी भरा हुआ नहीं रहना चाहिए, जिसके अंदर खड़ा नहीं रहना चाहिए। इसके अलावा जो पीएच है वो 6 से 7 के आसपास होना चाहिए। ठीक, द सोयल शुड बी डीप। सोयल जो है, मिट्टी है, वो गहरी होनी चाहिए जिससे कि पौधे को सपोर्ट मिल सके, लंबी फसल है इसके जो वाइन है उसको सपोर्ट मिल सके लंबे टाइम तक। इट कैन बी ट्राइज सक्सेसफुली इन रिवर बेड्स। ठीक है, इसकी जो कल्टीवेशन है, जहाँ कह लो कि इसको सक्सेसफुली रिवर बेड्स, जो आप डारिया कल्टीवेशन अपने जिसको कहते हैं, नदियों के किनारों पे जिसकी कल्टीवेशन की जाती है, उसके लिए भी ये सुटेबल फसल है, उस वहाँ पे भी इसकी कल्टीवेशन की जा सकती है। सीजन्स, द सोइंग टाइम ऑफ बोटल गार्ड डिफरेंट फॉर डिफरेंट रीजन एंड कंडीशंस। सोइंग टाइम और बोटल गार्ड का जो होता है वो अलग अलग रहता है, अलग अलग रीजन के हिसाब से, किसी अलग क्षेत्र के अंदर अलग होगा, किसी जगह पे कोई और टाइम पे बुआई चल रही होगी। बोटल गार्ड इज ग्रोन इन समर फरवरी मार्च। बोटल गार्ड की ज़्यादातर जो बुआई है समर के अंदर की जाती है, गर्मी के अंदर जो नॉर्थ इंडियन कंडीशंस है वहाँ पे। ठीक है, फरवरी मार्च में, या फिर रेनी सीजन के अंदर जून टू जुलाई के अंदर। फरवरी मार्च जैसे ही गर्मी स्टार्ट होने वाली होती है उससे पहले इसकी बुआई कर देते हैं वो चीज़। ठीक है, फिर या फिर दूसरी फसल है जून से जुलाई के अंदर भी बुआई करते हैं बरसात वाली फसल लेने के लिए। इन साउथ एंड सेंट्रल इंडिया वेयर विंटर इज नाइदर सेवर नो लॉन्ग, दिस क्रॉप कैन बी ग्रोन ऑलमोस्ट थ्रू आउट द ईयर। साउथ और सेंट्रल इंडिया, दक्षिणी और मध्य भारत के अंदर जहाँ पे ज़्यादा ठंड नहीं पड़ती, पाला नहीं पड़ता, जहाँ कह लो कि विंटर अलग से होता ही नहीं है, उन क्षेत्रों में इसको साल भर कल्टीवेट किया जाता है। ठीक है, जैसे मैंने पहले बताया था कि ये एक टिपिकल ट्रॉपिकल प्लांट है। ठीक, प्रिपरेशन ऑफ लैंड, द लैंड शुड बी थ्रोली प्रिपेयर्ड इन ऑर्डर टू गेट फाइन टिल्थ फॉर सीड बेड। इसका जो खेत होता है, खेत की अच्छी तरह से जुताई करके उसकी टिल्थ कह लो जाओ, उसकी मिट्टी को भुरभुरा बना लिया जाता है, ठीक, जिससे कि अच्छी क्यारियां बन सकें। सोइंग, वेरियस सिस्टम ऑफ सोइंग हैव बीन अडोप्टेड डिपेंडिंग ऑन द सीजन, क्रोप एंड सिस्टम ऑफ कल्टीवेशन। बहुत से सिस्टम है इसके अंदर जो अडोप्ट किए जाते हैं कल्टीवेशन के अंदर बुआई करने के लिए। ठीक है, वो सीजन के अनुसार अलग अलग हो सकते हैं। जैसे इसमें ज़्यादातर जो यूज किए जाते हैं, राइस बेड और फोरो आर मेड एट 2 to 3 meter। द सोइंग इज डन ऑन द टॉप ऑफ द साइड्स ऑफ द फोरो एंड द वाइन आर अलाउड टू ट्रेल ऑन द ग्राउंड। ठीक है, इसमें जो ज्यादातर मेथड यूज किया जाता है वो है राइस बेड या फोरो मेथड। ठीक, राइस बेड मतलब एक उठी हुई क्यारी बना ली जाती है लगभग 2 से 3 मीटर चौड़ी। ठीक है, उसके साथ में एक नाली आ जाएगी, फिर दूसरी क्यारी राइस बेड आ जाएगी। तो जो राइस बेड है उसके ऊपर बेल को चढ़ाया जाता है कि वो सीधी जमीन, ये कह लो कि सीधी पानी के टच में ना आए,
आपको पूरी क्यारी में पानी ना देना पड़े, उन नालियों में ही देना है। राइस बेड के बीच में, दो दो राइस बेड के बीच में रहेगी, ठीक है, पानी की भी बचत हो जाएगी। और दूसरा, आपकी बेल जो है वो ऊपर चढ़ने के लिए जगह मिल जाएगी और नीचे पानी के टच में फल नहीं आएंगे, ठीक। इसके अलावा रिकमेंडेड स्पेसिंग इज 2 to 3 मीटर बिटवीन 2 रोज, मतलब एक रो से दूसरी रो के बीच में लगभग 2 से 3 मीटर का, मतलब एक क्यारी 2 से 3 मीटर चौड़ी होगी, उसके बाद फिर दूसरी क्यारी स्टार्ट हो जाएगी, राइस बेड स्टार्ट हो जाएगी। और 1 से 2 1.5 मीटर बिटवीन 2 प्लांट्स, और एक पौधे से दूसरे पौधे की दूरी लगभग 1 से 1.5 मीटर रखी जाती है, ठीक है। टू सीड्स सोन इन बोथ साइड्स ऑफ फरो, ये कह लो कि दो सीड या दो बीज जो प्रत्येक खड्डा होता है, जहाँ गड्ढा है, जहाँ पे भी बीज बोया जाता है वहाँ पे दो बीज एक साथ डाले जाते हैं, और जो भी उसमें से हेल्दी होता है उसे छोड़ दिया जाता है, और जो दूसरा साथ में एक और निकला हुआ होता है उसको निकाल देते हैं, थिनिंग कर देते हैं, ठीक है। हर प्रत्येक जगह पे एक ही बेल को रहने दिया जाता है, लगी रहने दिया जाता है। सीड रेट एंड सीड ट्रीटमेंट, द रिकमेंडेड सीड रेट इज 3 to 6 kg पर हेक्टर, जो इसकी रिकमेंडेड सीड रेट है, अनुशंसित मात्रा वो 3 से 6 किलो पर हेक्टर है। कई किताबों के अंदर आपको ये 30 से 40 किलो तक लिखी हुई मिल जाएगी, कन्फ्यूज मत होना, इतनी नहीं होती, ठीक है, 3 से 6 किलो तक ही होती है, क्योंकि इसमें जो पौधा है इसकी ग्रोथ, ये कह लो कि इसकी लंबाई कह लो, जब वाइन है तो बहुत ज़्यादा फैलती है, तो कुकरविट्स के अंदर वाइन वाली है तो इनके अंदर ज़्यादा सीड रेट की जरूरत नहीं होती इतनी। तो अगर आपने वो गेहूं बीजना है, जहाँ कह लो कि आपके राइस है, तो उनके अंदर 30-40 किलो पर हेक्टर तक रखी जाती है, ये वाइन वाली जो इनके अंदर नहीं रखी जाती, ठीक है। कोई अपने को उतनी कम स्पेसिंग पे थोड़ी लगा रहे हैं, अपने तो इसको 3 से 4 मीटर और उधर 1 से 1.5 मीटर पे लगा रहे हैं, तो इतनी सीड रेट नहीं लगेगी इसमें, तो सीड रेट 3 से 6 किलो ही है। ट्रीटमेंट ऑफ सीड्स विद 600 ppm ऑफ सेसेनिक एसिड फॉर 12 आवर इम्प्रूव द जर्मिनेशन एंड सीडलिंग ग्रोथ एज एविडेंस बाय मोर लीव्स पर सीडलिंग्स। जो ट्रीटमेंट है 600 ppm का, जैसे बीजों को उपचारित करते हैं बुवाई से पहले, अगर उसको सक्सिनिक एसिड 600 ppm के सॉल्यूशन से 12 घंटे तक उसको ट्रीट किया जाता है, तो ये चीज़ उसके जर्मिनेशन को भी इम्प्रूव करती है। इसके अलावा जो सीडलिंग की ग्रोथ है, ठीक है, ये कह लो कि पौध जो छोटा होगा पौधा, उसकी जो ग्रोथ होगी बहुत अच्छी होगी, इसके अलावा उस पर पत्तियां भी ज्यादा होंगी उस पौध के ऊपर। इसके अलावा एक और भी मेथड यूज किया जाता है, जो जनरली गांवों के अंदर किया जाता है, कि बीज को 12 से 24 घंटे तक पानी के अंदर भिगो के रखा जाता है, फिर उसके बाद उसकी बुआई करते हैं, जिससे क्या होता है कि एक तो सीड का जर्मिनेशन बहुत अच्छा होता है, बहुत जल्दी होता है, उसके अलावा सीडलिंग की ग्रोथ भी अच्छी होती है, ठीक है। कि भाई रात के अंदर उसको भिगो, रात को भिगो के रखा, सुबह उसकी बुआई की, जिससे क्या होता है कि उसका जो ऊपर वाली झिल्ली होती है वो जल्दी, ये कह लो कि पारगम्य बन जाती है, उसकी डोरमेंसी कह लो एक तरीके से टूट जाती है, ठीक। मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, वेल रोटन फार्म यार्ड मैन्योर एट द रेट ऑफ 15 to 20 टन्स पर हेक्टर इज अप्लाइड टू द फील्ड एट द टाइम ऑफ प्रिपरेशन ऑफ लैंड। मैन्योर और फर्टिलाइजर्स, जो खाद और उर्वरक है, इसमें सबसे पहले तो है कि उसमें गोबर की खाद जो है, अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद 15 से 20 टन, ठीक है, ये कह लो जाए 150 से सॉरी 150 से 200 क्विंटल पर हेक्टर, फील्ड जब प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, लास्ट जुताई कर रहे होते हैं, उस टाइम खेत में डाली जाती है, ठीक। फर्टिलाइजर रिकमेंडेशन इज डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया, जो अलग अलग देश के राज्य हैं उनके अंदर ये रिकमेंडेड डोज है नीचे दी हुई है, जैसे नाइट्रोजन केजी पर हेक्टर के अंदर, फास्फोरस भी केजी पर हेक्टर के अंदर है, और पोटाश भी केजी पर हेक्टर के अंदर अंदर है। तो पंजाब के अंदर 150 50 kg पर हेक्टर NPK डाला जाता है, तमिलनाडु में 35 25 25, गुजरात के अंदर 25 50 25, ठीक है। इनमें से फास्फोरस और पोटाश की पूरी मात्रा और नाइट्रोजन की आधी मात्रा जब अपने बुआई कर रहे होते हैं,
या सोइंग कर रहे होते हैं उस टाइम डाली जाती है, और जो रिमेनिंग डोज बच जाती है उसे बुआई के 1 मंथ बाद दिया जाता है, या ये कह लो कि फ्रूटिंग से पहले दिया जाता है। ठीक है, जो भी रिमेनिंग डोज नाइट्रोजन की बजाय, जैसे पंजाब के अंदर 100 देते हैं तो 50 तो दे देंगे उसी टाइम जब बिजाई करनी है अपने को, जुताई कर सॉरी सोइंग कर रहे हैं, और जो रिमेनिंग डोज बच गई उसे 1 महीने बाद, लगभग 30 से 45 दिन के बाद इसमें दे देते हैं। ठीक। इरिगेशन ड्यूरिंग हॉट एंड वार्म वेदर, इरिगेशन आफ्टर एवरी 4 to 5 days इज नीडेड टू मेंटेन प्रॉपर सोयल मॉइस्चर लेवल। गर्म मौसम के अंदर जो इसमें सिंचाई है उसे 4 से 5 दिनों के अंतराल पर की जाती है। ठीक है, अच्छा मॉइस्चर बनाए रखने के लिए। इन स्प्रिंग समर क्रॉप फ्रिक्वेंट इरिगेशन इज वेरी एसेंशियल, व्हाइल इन रेनी सीजन क्रॉप इरिगेशन में नॉट बी नेसेसरी एट ऑल इफ रेनफॉल इज वेल डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन जुलाई टू सितंबर। जो स्प्रिंग समर क्रॉप है, बसंत और गर्मी की मौसम की फसल होती है, इसे तो लगभग कंटिन्यू इरिगेशन की आवश्यकता होती है, परंतु जो रेनी सीजन की होती है उसमें अगर जरूरत है तो सिंचाई करो, नहीं तो क्या होता है कि जो जो अपना मानसून है उस टाइम जुलाई से सितंबर तक अगर अच्छा है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, अच्छी बारिश कर रहा है तो सिंचाई की जरूरत नहीं होती। वीड कंट्रोल, 2 to 3 वीडिंग आर नेसेसरी टू कीप द क्रॉप फ्री फ्रॉम वीड्स। लगभग 2 से 3 निराई गुड़ाई की जाती है इसमें फील्ड को वीड फ्री रखने के लिए। वैसे मैं बता दूं कि कुकरबिट्स के अंदर ज्यादा निराई गुड़ाई की अनुशंसा नहीं की जाती। ठीक है, कोई ज्यादा ये कह लो कि इकोनॉमिकल नहीं रहता। हर्बिसाइड्स कैन आल्सो बी यूज्ड इन द क्रॉप, इसके अंदर हर्बिसाइड भी यूज किए जाते हैं, जैसे फ्लूक्लोरिन है 2 kg/hectare, इसके अलावा एलाक्लोर है, ब्यूटाक्लोर है 2.5 kg/hectare। ये भी बोटल गार्ड की जो खेती अगर अपने बहुत ही हाई लेवल पे कर रहे हैं तो उसके अंदर यूज की जा सक्ती है। ठीक है, फ्लूक्लोरिन है, एलाक्लोर है, बूटाक्लोर है, इनका यूज किया जाता है। ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग, ठीक है, नीचे वाली पिक्चर्स में आप इसकी ट्रेनिंग देख सकते हो। इसमें ज्यादातर जो बोवर सिस्टम है, जैसे अंगूर के अंदर किया जाता है, पंडाल विधि कहते हो जिसको, वो सिस्टम ज्यादातर इसमें अडॉप्ट किया जाता है। इस सिस्टम को अडॉप्ट करने से फायदा क्या होता है, एक तो जो फल की लंबाई होती है वो ज्यादा होती है, ज्यादा बढ़ती है, फल ज्यादा लंबे बनते हैं अगर उसको पंडाल विधि से ट्रेन किया जाता है तो। ठीक है, बजाय कि जो जमीन पे सीधी बेल फैल रही है उसकी तुलना में इसमें इसमें करते क्या है कि बोवर सिस्टम के अंदर इसमें जो पौधे की प्लांटिंग की जाती है वही 2.5 से 1 मीटर की स्पेसिंग पे सारी की सारी जो प्लांटिंग की जाती है। उसके बाद इसमें बांस है, जब बैम्बू के पोल लगा दिए जाते हैं, ऊपर नेट बना दिया जाता है उनके, बांध के दोनों साइड लगाए, उसके बाद एक छत की तरह उसके जो बीच वाली राइस बेड है उसके ऊपर छत सी बना दी, और उसके ऊपर बेल को ट्रेन कर दिया जाता है, उसके ऊपर चढ़ा दिया जाता है। ठीक है, नीचे उस ऊंचाई तक बेल, मतलब उस बोवर सिस्टम की जो ऊंचाई है वहां तक बेल को चढ़ाने के लिए जो नीचे की साइड ब्रांचेज होती हैं उनको हटा दिया जाता है, साथ में कोई भी एक नीचे वाली शाखाओं को नहीं छोड़ा जाता, बेल को सीधा बढ़ने दिया जाता है उस ऊंचाई तक, फिर उसके बाद वाली जो शाखाएं ऊपर रहती हैं उनको ट्रेन किया जाता है उसके ऊपर। ठीक, यूज ऑफ ग्रोथ रेगुलेटर, इसमें जो बहुत से केमिकल और ग्रोथ रेगुलेटर यूज किए जाते हैं उपज को बढ़ाने के लिए, तो पहला है इथेरल, इथेरल इथाइलिन का ही एक टाइप है। ठीक है, इसकी 150 ppm की जो डोज है वो इंक्रीज फ्रूट सेटिंग, फ्रूट फलन को बढ़ाती है। ठीक है, इसके अलावा मैलिक हाइड्राजाइड है, इसकी 400 ppm की जो डोज है वो इंक्रीज फ्रूट सेटिंग, वो भी फलन को बढ़ाती है। इसके अलावा 2, 4, 5 ट्राइडोबेंजोइक एसिड, टिब्बा जिसको बोलते हैं, 50 ppm की जो इसकी डोज है, जहाँ फोलियर स्प्रे है, वो इंक्रीज फ्रूट सेटिंग, फलन को बढ़ाती है। इसके अलावा बोरोन है, ठीक है, माइक्रो न्यूट्रेंट है बोरोन, 3 to 4 ppm, ये भी
इंक्रीज फ्रूट सेटिंग को बढ़ाती है। इसके अलावा मैलिक हाइड्राजाइड प्लस नाइट्रोजन, याद रखना मैलिक हाइड्राजाइड प्लस नाइट्रोजन, ये 400 ppm तो मैलिक हाइड्राजाइड का और साथ में 100 किलो नाइट्रोजन पर हेक्टर फील्ड के अंदर दी जाती है। तो ये इंक्रीज फीमेल फ्लोवर्स, ये जो फीमेल फ्लोवर होते हैं, मादा पुष्प होते हैं, उनकी संख्या में वृद्धि करती है। इसके अलावा इंक्रीज फ्रूट सेट फलन को भी बढ़ाती है, फ्रूट सेटिंग को भी बढ़ाती है। ठीक है, स्प्रेइंग द प्लांट ट्वाइस एट टू एंड फोर टू लीफ स्टेज, ये सारे के सारे जितने भी ग्रोथ रेगुलेटर हैं या केमिकल्स हैं, इनका जो स्प्रे किया जाता है पौधे पे, दो टाइम किया जाता है। एक तो जब पौधे पे दो सच्ची पत्तियां आ जाती हैं उस समय, उसके बाद उस पे चार जब पत्तियां आ जाती हैं तब, मतलब पौधे की इनिशियल स्टेज होती है उस टाइम, इसमें इसका फोलियर स्प्रे किया जाता है। ठीक, पर्णीय छिड़काव किया जाता है। हार्वेस्टिंग, फ्रूट शुड बी पिक्ड एवरी 3 to 4 days। ठीक, फलों का जो तुड़ाई की जाती है वो प्रत्येक 3 से 3 दिन, चौथे दिन तुड़ाई करते हैं। वैसे तो वो किस्म के ऊपर होता है, कई बार जो होती है किस्में उनके फल ज्यादा लंबाई नहीं लेते, वो जल्दी ही साइज ले लेते हैं, मार्केटेबल साइज ले लेते हैं, तो उनकी तुड़ाई थोड़ी जल्दी भी की जाती है, लगभग 2 से 3 दिन के अंदर भी। पिकिंग ऑफ फ्रूट एट द राइट एडिबल मैच्योरिटी स्टेज डिपेंड अपॉन इंडिविजुअल काइंड एंड वेराइटीज। ठीक है, वैरायटी के ऊपर डिपेंड करती है कि किस प्रकार की वो किस्म है, कि तुड़ाई कब करनी है। ठीक है, इसके अलावा टेंडर सॉफ्ट एंड हैविंग हेयर ऑन द रिंड ऑफ द फ्रूट आर हार्वेस्टेड, ये कह लो कि उसकी जो फल होते हैं टेंडर होने चाहिए, नाजुक कह लो कि जी, ठीक है, इसके अलावा सॉफ्ट होने चाहिए, कोमल होने चाहिए, और हैविंग हेयर्स उसके ऊपर, ये कह लो कि रोए जिसको आप कह देते हो व्हाइट कलर के, ये थोड़े थोड़े दिखते हुए होने चाहिए, क्योंकि कच्चे फल पे तो ज्यादा होते हैं, जैसे ही वो पक जाएगा उसके ऊपर से वो नहीं रहते, उसके ऊपर नहीं होते। ठीक है, और जो जहां से ये पौधे के साथ बेल के साथ जुड़ा हुआ रहता है उस जगह पे आपको थोड़े बहुत देखने को मिल जाएंगे जब फल वो कच्चा होगा, और जैसे ही पक जाएगा, बिल्कुल पक जाएगा, तो उसके ऊपर ये रोए नहीं दिखाई देंगे आपको। सीड शुड बी सॉफ्ट, जो उसके बीज हैं अंदर से अगर उसको काट के देखा जाए तो वो सॉफ्ट होने चाहिए, बीज बने हुए नहीं होने चाहिए। ठीक है, द क्रॉप इज रेडी फॉर हार्वेस्ट अप्रोक्सीमेटली 60 डे आफ्टर सीड सोइंग डिपेंडिंग अपॉन द वराइटी एंड सीजन, जो वैसे तो वराइटी और सीजन के ऊपर डिपेंड करता है कि किस किस्म की तुड़ाई कब शुरू होगी, और वैसे जनरली लगभग 60 डेज बाद, मतलब 60 दिन बाद, जैसे ही बुआई करते हैं 60 दिन बाद, लगभग 2 महीने बाद उसकी तुड़ाई स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है यील्ड, द एवरेज यील्ड ऑफ बोटल गार्ड इज 150 to 200 क्विंटल पर हेक्टर, लगभग 150 से 200 क्विंटल पर हेक्टर तक इसकी उपज मिलती है जनरली। However, the improved varieties F1 hybrids yield up to 400 क्विंटल पर हेक्टर। इसकी जो हाइब्रिड किस्म है, जैसे पूसा मंजरी है, मेघदूत है, इनकी थोड़ी किस्म की जो उपज है वो 400 क्विंटल पर हेक्टर तक भी मिल जाती है। ठीक है, अगर इसकी कल्टीवेशन साइंटिफिक तरीके से की जाए तो। थैंक यू।